ये देखो देखो, पूरा मोटरसाइकिल को राइड को भागती है। नहीं मतलब मोटरसाइकिल का मैं हैंडल छोड़ ही नहीं सकता, अगर छोड़ दूंगा एकदम राइड को मुड़ के गिर जाएगी, इतना ज़्यादा कट इसका राइड की तरफ है। ऑल राइट, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेल, एकदम बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ी भी है, देख पा रहे होंगे पूरी रोड गीली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस बारिश के मज़े लिए जाएं और आज की ट्रिप रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर की जाए कि दिल्ली और गुड़गांव की बारिश में चलाने में कैसे मज़े आते हैं। बारिश में मोटरसाइकिल चलाना इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर, बट दिल्ली और गुड़गांव की बारिश, इसका क्या ही कहना। वेल, सबसे पहली चीज़ ट्रैफिक। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको ट्रैफिक ना मिले रास्ते पे। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने आज सोचा कि आज का जो मेरे ऑफिस के राइड है उसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बेसिकली पूरे वीक ही मैं ऑफिस अपने बाइक को लेके ही जाता हूँ, ऐसा ऑलमोस्ट कोई दिन नहीं रहता जब मैं बाइक से ऑफिस ना जाऊँ, बट आज स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करने का रीज़न ये था, एक तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा जब इस मौसम के मज़े लेने हैं क्यों मैं अकेला मज़े लूँ, आपके लिए भी एक छोटा सा क्लिप, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आप भी देख सकें कि दिल्ली गुड़गांव की बारिश दिल्ली की सड़कों पे कैसे फील होती है। दूसरा रीज़न, मेरे फ़ोन में किसी दिक्कत की वजह से मेरे आईफोन में सॉफ्टवेयर ग्लिच किया जिसकी वजह से पूरा फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ा और जितना भी मेरे पास कंटेंट रिकॉर्डेड था वो सारा डिलीट हो गया, उसका मेरे पास बैकअप भी नहीं था, तो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बारिश में चलाने में जो मज़ा है ना, बारिश में चलाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर रोड्स खाली हो, अगर ट्रैफिक रहता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा हो तो आप गलती से किसी बाइक वाले के पीछे अटक गए, वो सारा पानी अपने पीछे वाले व्हील से उड़ाता हुआ जाता है। अभी तक मैं इस मोटरसाइकिल को चला चुका हूँ 25,400 किलोमीटर्स। इमेजिन 2022 में जब मैंने इस मोटरसाइकिल को ख़रीदा था 29 मई को, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस मोटरसाइकिल को मैं इतना चला लूँगा और ये मोटरसाइकिल मुझे जगह जगह घुमाएगी। जब मैं मोटरसाइकिल ख़रीदने का सोच रहा था तो मेरे माइंड में यही चीज़ें थी कि जो मोटरसाइकिल इसी हिसाब से ख़रीदनी है ताकि उस मोटरसाइकिल से मैं टूरिंग कर सकूं, ऑफ रोडिंग कर सकूं, घूम सकूं, ये प्लान था। बट ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर मोटरसाइकिल 25,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला ली मैंने, ये मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली। बट अगर मैं आपको इस मोटरसाइकिल का थोड़ा बहुत फीडबैक दूँ कि मोटरसाइकिल कैसी है, आई वुड से स्क्रैम 411 रॉयल इनफील्ड की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मोटरसाइकिल में से एक है। ऑफ कोर्स ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा सेल होनी चाहिए थी, बट रॉयल इनफील्ड इस मोटरसाइकिल को ज़्यादा सेल नहीं कर पाया, ज़्यादा उतनी चली नहीं, बट ये मोटरसाइकिल बहुत ही वर्सेटाइल है। साइज़ में छोटी है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन 411, 450 तो अभी लॉन्च हुई है, और पावर की बात करें पावर में कोई डिफरेंस फील नहीं होता, किसी भी मोटरसाइकिल को ये फेल कर सकती है पावर में। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी एबिलिटी किसी भी टेरेन पे चलने की, किसी भी सिचुएशन में राइड करो कोई दिक्कत नहीं होती। 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, मैंने इसमें क्या क्या चेंज करी हैं, मैंने इसमें रियर व्हील, पीछे वाला टायर है वो चेंज करवाया था, बिकॉज़ जो सीएट के टायर्स आते हैं मोटरसाइकिल के साथ ओरिजिनल,
वो उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। वो ऑलमोस्ट मेरा 12,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चली थी तभी पूरा टायर फ्लैट हो चुका था, तो बट मैंने फिर भी उसको 14-15 के बाद चेंज करवा लिया था क्योंकि तब थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई थी, मोटरसाइकिल बार बार स्किट कर रही थी हर जगह पे। तो आई रियलाइज्ड कि ये सेफ नहीं है एकदम फ्लैट टायर के साथ चलाना। तो तब मैंने मोटरसाइकिल का जो टायर है वो चेंज कर दिया था। उसके बाद मैंने इसका चेन सेट चेंज किया था आफ्टर 15,000 किलोमीटर्स, क्योंकि जब मैं कश्मीर की राइड कर रही थी इस मोटरसाइकिल से, कश्मीर से वापस आते टाइम जब मैं जम्मू से दिल्ली का वो जो डिस्टेंस से कवर कर रहा था 650 किलोमीटर का, तब मुझे इसकी चेन में आवाज़ फील हुई थी, क्योंकि जबकि मैं रेगुलरली चेन को क्लीन और लूप कर रहा था पूरी राइड पे, बट उसके बाद वो चेन का इशू उस दिन आने के बाद कभी गया ही नहीं, हमेशा टक टक चेन की आवाज़ आती रही, जो कि चेन सेट में प्रॉब्लम होने की वजह से था। जब उसके बाद मैंने 15,000 किलोमीटर उसके बाद चेन सेट चेंज कर दिया था तो वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई थी। बट देर आर कपल ऑफ थिंग्स जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो इस मोटरसाइकिल की। 25,000 किलोमीटर चलने के बाद जो कंफर्ट है मोटरसाइकिल का वो बिल्कुल भी सेम है, बहुत ही कंफर्टेबल। इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद अगर मैं किसी दूसरे मोटरसाइकिल को राइड करता हूँ ना, मैंने रिसेंटली मेरे पास हंटर थी फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, हंटर 350, मैंने उसे राइड किया तो मुझे वो डिफरेंस फील हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स हंटर और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है सस्पेंशन में, तो कंफर्ट में काफ़ी डिफरेंस आपको फील होता है। लेकिन उसके अलावा भी मैंने जब हार्ले डेविडसन X440 राइड किया था, जब मेरे पास वो मोटरसाइकिल भी 1-1.5 वीक के लिए थी, तब भी मुझे इस मोटरसाइकिल और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ था कंफर्ट के हिसाब से। ये मोटरसाइकिल फार बेटर कंफर्ट देती है बाकी मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में। रीजंस होते हैं बहुत सारे, शायद मुझे इसलिए भी कंफर्टेबल लगती है क्योंकि मैं इस मोटरसाइकिल को ऑलमोस्ट 2 साल से चला रहा हूँ और मैं पूरा कंफर्टेबल हूँ इसको राइड करने में। मुझे इसकी पावर के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है, मोटरसाइकिल की वीकनेस के बारे में पता है, तो वो भी एक रीज़न रहता है कि आप कंफर्टेबल रहते हो अपनी मोटरसाइकिल पे। तो ये हो गया कंफर्ट की बात। लेकिन कुछ इश्यूज़ जो मेन प्रॉब्लम्स मैंने इस मोटरसाइकिल के साथ फेस की हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। कुछ बड़े इश्यूज़ तो नहीं थे, बट वही चेन सेट, ये नॉर्मल सी लाइफ होती है चेन सेट की। 12,000 से 13,000 किलोमीटर्स मैंने 15,000 किलोमीटर्स पे चेंज किया था। रियर व्हील तो घिस ही जाता है यार जब आप मोटरसाइकिल को इतना चला लेते हैं तो, और कंपनी का जो बाइक के साथ व्हील्स आते हैं वो उतने ड्यूरेबल भी नहीं होते, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते आप। और उसके अलावा अभी जो मैंने रिसेंटली मोटरसाइकिल में एक मेन प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की है, वो है कोन सेट का। अभी मैं जो है अपना एक लंबा राइड प्लान कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस राइड से पहले मैं इस मोटरसाइकिल के कोन सेट के इशू को फिक्स कर दूँगा, इसका कोन सेट चेंज करवा दूँगा। क्योंकि अभी मोटरसाइकिल जब भी मैं इसको राइड करता हूँ मैं इसको हाथ छोड़ के चला नहीं सकता, मोटरसाइकिल पूरा एक तरफ भागती है। अगर मैं भी आपको दिखाऊँ, ये देखें, देख पूरा मोटरसाइकिल को राइड को भागती है, देख मतलब मोटरसाइकिल का मैं हैंडल छोड़ ही नहीं सकता, अगर छोड़ दूंगा एकदम राइड को मुड़ के गिर जाएगी, इतना ज़्यादा कट इसका राइड की तरफ है। तो ये कोन सेट की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो कौन सेट की अगर बात करूँ तो वो रॉयल इनफील्ड की हर एक मोटरसाइकिल में वो इशू है, ऐसा कोई स्पेसिफिकली इस मोटरसाइकिल के साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो रॉयल इनफील्ड की कोई भी मोटरसाइकिल ले लो आप, कौन सेट का प्रॉब्लम आपको एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहती है। अभी जो मेरा लॉन्ग राइड प्लान्ड है अगस्त के महीने में, तो उससे पहले मैं इस कौन सेट को चेंज करवा लूँगा मोटरसाइकिल के, ताकि ये बड़ी प्रॉब्लम जो है कौन सेट की ये रिजॉल्व हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रही रोड्स पे, यहाँ से लोग मुड़ रहे हैं, यहाँ से लोग मुड़ रहे हैं, हर तरफ से कोई ना कोई मुड़ ही रहा है। दिस इज इंडियन रोड्स। गुड़गांव में एंटर हो चुके हैं हम। वैसे मेरा घर दिल्ली में है, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, तो ये जो 10-12 किलोमीटर का ट्रेवल हर दिन रहता है मेरा। गुड़गांव में अगर आप एंटर करते हो तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती है रोड्स, मतलब लोग ऐसे चलाते हैं जैसे उनके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है लाइफ का। वेलकम टू द साइबर सिटी, यह है गुरुग्राम की शान साइबर सिटी। स्प्लेंडर वाले भैया, बूम बूम।
स्प्लेंडर के भैया कोई जवाब नहीं होता। स्प्लेंडर वाले यार समटाइम्स कि तुम अपनी मस्ती में चल रहे हो रोड पे एंड देयर कम्स ए स्प्लेंडर जो बूम बूम करके तुम्हें पास कर जाएगा और ऐसे लहराते हुए जाएगा ना। वेल हाँ, मैं आपको कौन सेट के बारे में बता रहा था। अभी थोड़ा सा खाली रास्ता है, देखो अगर मैं बाइक को छोड़ने की कोशिश करता हूँ पूरी बाइक जो है राइट को मुड़ रही है। देखो पूरी राइट को जा रही है, मतलब इतना राइट को जा रही है कि अगर मैं एक दो सेकंड और हैंडल छोड़ के चलाऊँगा तो मोटरसाइकिल गिर जाएगी पूरी, तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम विद ऑल द रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स, बी इट कोई भी हो। इवन कि जो 450 अभी लॉन्च हुई है, अगर आपने 23 राइड्स को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, 23 राइड्स ने एक वीडियो बनाया था अपनी हिमालयन 450 का आफ्टर 1000 किलोमीटर्स, उसकी मोटरसाइकिल भी पूरा राइड को भागती थी पूरे हैंडल छोड़ने के बाद। तो राइड को तभी भागती है जब कौन सेट में इशू है, जब मोटरसाइकिल खुद को बैलेंस नहीं कर पाती है रोड पे, राइट। तो ये तभी होता है जब मोटरसाइकिल में कौन सेट का इशू हो। तो ये जो कौन सेट का इशू है रॉयल इनफील्ड के हर एक मोटरसाइकिल में आ जाता है इवेंचुअली, चाहे नई हो या पुरानी हो। तो कौन सेट और रॉयल इनफील्ड का अलग ही कहानी चल रहा है, आई डोंट नो क्या। पंद्रह सौ चार ये है पार्किंग की एंट्री, लेट्स पार्क इट समवेयर। ओके, खाली पूरी पार्किंग खाली है आज, ऐसा बारिश का मौसम हो रहा है, लोग बाइक्स लेके आए ही नहीं है, वरना हमेशा यहाँ पे ऑलमोस्ट पार्क करने की जगह तक नहीं मिलती है। ये है कुछ बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने रिसेंटली अपनी मोटरसाइकिल के साथ फेस की है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 25,428 किलोमीटर चल चुकी है मोटरसाइकिल अभी। तो जब मैंने परचेज़ किया था, जैसे मैंने बताया, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी इतने किलोमीटर्स चल जाएगी। बाकी मोटरसाइकिल में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने कुछ इधर उधर की चेंज करी हैं, बहुत सारी एसेसरीज़ इंस्टॉल करवाई हैं मोटरसाइकिल में, उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से एसेसरीज़ हैं, जैसे कि ये मिरर्स हैं, कस्टमाइज्ड मिरर्स मैंने इंस्टॉल करवाए थे ये, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में पर्टिकुलरली चार्जर नहीं आता, तो मैंने इसमें एक ऐसा फ़ोन होल्डर इंस्टॉल करा है जो कि मेरे फ़ोन को भी चार्ज करता है जब मैं लॉन्ग राइड्स पर जाता हूँ। उसके अलावा ऑक्स लाइट्स हैं इधर उधर हैं, क्रैश गार्ड वगैरह, चूँकि काफ़ी महंगी महंगी एसेसरीज़ हैं, उन सब के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इस मौसम में ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं होता यार, इस मौसम में बस मोटरसाइकिल लेके कहीं पहाड़ों में घूमूं, कहीं अच्छी अच्छी जगहों पे घूमूं, बट क्या करें, करना पड़ता है, पापी पेट के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वेल आएगा वो दिन भी जब ऐसे मौसम में हमें ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, ऐसे मौसम में हम अपनी मनपसंद की राइड पे निकलेंगे। और ये रही हमारी रानी, वीडियो को ख़त्म करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।